बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जीके विद इंजीनियर। कल मैं देख रहा था, कल पीपीएससी का ऐड कोई नहीं आया, वेबसाइट पे अवेलेबल कोई नहीं था, लेकिन जंग अखबार जब मैंने देखा तो उसके अंदर ऐड आया हुआ था पीपीएससी का। वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल के अखबार में जंग में आया हुआ था। इसमें जो मेन चीज़ है, एक एक दो दो सीट्स तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इस ऐड की, वो है एक तो ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर असिस्टेंट BS16 की 18 सीट्स हैं, जिनमें 13 ओपन मेरिट पे हैं, 3 वुमेन कोटा, एक है स्पेशल पर्सन कोटा और एक है माइनॉरिटी कोटा के लिए। उसके अलावा फिर इसी डिपार्टमेंट के अंदर 32 सीट्स हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो ये इसके अलावा फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चकवाल के अंदर सीट्स आई हैं 48 जूनियर क्लर्क की, जिसमें 21 ओपन मेरिट पे हैं, उसके अलावा 2 स्पेशल पर्सन कोटा के लिए हैं, 2 माइनॉरिटी कोटा, 10 वुमेन कोटा और 13 सीट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए हैं, जूनियर क्लर्क के। उसके लिए आपको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए और प्रोफिशंसी चाहिए MS ऑफिस के अंदर। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी चकवाल के अंदर है, और सिर्फ चकवाल डोमिसाइल के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और इसमें पेपर जो है वो 80% जनरल एबिलिटी और 20% जो है रिलेटेड टू कंप्यूटर MS ऑफिस, तो ये चीज़ होगी। और उसके अलावा बाकी एक एक दो दो सीट्स हैं, मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सीट्स जो हैं वो 48 जूनियर क्लर्क की हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चकवाल में, और उसके अलावा 32 सीट्स हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की और 16 सीट्स हैं असिस्टेंट BS16 की, ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी इंशाल्लाह आज एड भी अवेलेबल हो जाएगा PPSC की वेबसाइट पे, तो वहाँ से भी देखा जा सकेगा इंशाल्लाह।